रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 एफएम से मैं हूं आलोक। जैसा कि आप सब लोग हमसे अच्छे से परिचित हैं कि हम लोग काफ़ी योजनाओं पे बात करते हैं, जैसे कि सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके पहले मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण के एक शादी अनुदान के बारे में आपको बताया था। इसके बाद आज मैं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में आया हुआ हूँ और हमारे साथ हैं दिव्यांग जन अधिकारी, दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी जी। मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आज हम बात करेंगे दिव्यांग योजनाओं के बारे में, कौन कौन सी योजना है, इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है और कहाँ पे आकर के आपको सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं वहाँ भी मिल सकती है, अगर ऑफलाइन आप आकर के जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ भी ले सकते हैं। तो पहली योजना के बारे में हम जानेंगे, ये दिव्यांग व्यक्तियों के भरण पोषण अनुदान, मतलब दिव्यांग पेंशन के बारे में थोड़ा सा मैम आप बताइए। हमारे यहाँ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो भरण पोषण योजना है, जिसको सामान्यतः दिव्यांग पेंशन योजना के नाम से जानते हैं, इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति होता है जिसकी दिव्यांगता 40% से ऊपर होती है उसको हम लोग पेंशन देते हैं। प्रतिमाह 1000 की दर से त्रैमासिक किस्त के रूप में पेंशन दी जाती है और इसके लिए बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सीमा है 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में है 56,460 रुपये वार्षिक। इससे ऊपर के व्यक्ति को हम नहीं दे सकते हैं और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है जिसके लिए माध्यम से हम आवेदन करते हैं और उसका लिंक है sspyup.gov.in। इस पर जाकर जनसेवा केंद्र से या हमारे विभाग में आकर लाभार्थी इस पे ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, जिसके बाद उनको ये पेंशन का लाभ मिलता है। दिव्यांग पेंशन के बारे में आप लोगों ने जाना, इसके अलावा एक होता है कुष्ठावस्था पेंशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कुष्ठावस्था पेंशन उन व्यक्तियों के लिए है जो कुष्ठ रोगों से प्रभावित हैं। इनको प्रतिमाह 3,000 रुपये की दर से त्रैमासिक किस्त जाती है। इसमें भी वही क्राइटेरिया है जो हमारे दिव्यांग पेंशन के लिए, इसमें भी बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये वार्षिक उनकी आय होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी दिव्यांगता जो 40% की क्राइटेरिया है वो इसमें नहीं है जी। एक योजना है जिसमें दिव्यांग को कृत्रिम अंग दिया जाता है, तो सहायक उपकरण बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे जो हमारे दिव्यांग भाई हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसको ले सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए जो कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण की योजना है, इसके अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं और कृत्रिम हाथ पैर भी उनके लगवाए जाते हैं अधिकतम 10,000 रुपये तक। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होता है लाभार्थी को और इसकी पात्रता है कि वो विगत 3 वर्षों में उसको नहीं प्राप्त किया हो किसी भी अन्य संस्था से। बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं लगभग दिव्यांग विभाग की सारी योजनाओं पर लगभग फोकस करूंगा। कुछ जो बच जाएगा आगे फिर हम इसमें एक इंटरव्यू करेंगे या फिर स्टूडियो में बातचीत करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक योजना है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत हमारा विभाग उन दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करता है जो किसी दिव्यांग से शादी करते हैं। जैसे अगर पति और पत्नी दोनों में सिर्फ पति दिव्यांग है तो उसको 15,000 मिलता है प्रोत्साहन पुरस्कार। अगर पत्नी दिव्यांग है पति सही है तो उसको 20,000 मिलता है। अगर पति पत्नी दोनों दिव्यांग है तो दोनों को ज्वाइंट अकाउंट में 35,000 रुपये दिया जाता है। इसके लिए भी वेबसाइट पे ऑनलाइन करना पड़ता है क्या? हाँ, इसके लिए भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आवेदन करना पड़ता है, फिर उनके प्रपत्रों की जांच होती है, उसके बाद उनको फॉरवर्ड किया जाता है, तब डायरेक्ट उनके खाते में पीएफएमएस के माध्यम से वो राशि आती है। एक योजना है जो दुकान निर्माण संचालन योजना, ये हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए है, तो इसको कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है दुकान संचालन या दुकान निर्माण योजना। इसके अंतर्गत दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत हम जो विभाग है उनको 20,000 रुपये देता है और संचालन योजना के तहत उनको 10,000 रुपये देता है।
20,000 रुपए में से उनके 15,000 रुपए लोन होता है और 5,000 रुपए का अनुदान उनको दिया जाता है। और संचालन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 10,000 रुपए दिया जाता है, जिसमें से 2,500 का अनुदान विभाग देता है और 7,500 उनको लोन देता है, जिससे वो स्वावलंबी बन सके और आत्मनिर्भर बन सके। ये तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने के लिए एक अच्छा कदम भी है और ये बहुत अच्छी योजना है। बहुत सारी योजनाओं पे हम फोकस कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि दिव्यांग भाइयों का एक, हमें लगता है कि कितना परसेंटेज वो दिव्यांग हैं उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उसमें आप कितनी मदद कर सकते हैं? दिव्यांग सर्टिफिकेट हमारा जो दिव्यांग बोर्ड बैठता है CMO ऑफिस में बैठता है, प्रत्येक सोमवार को बैठता है, जहाँ पर दिव्यांग भाई जाते हैं वहाँ पर दिव्यांग बोर्ड के सामने उपस्थित होते हैं, उनकी प्रॉपर जांच होती है, उसके बाद CMO स्तर से उनकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत होता है। इसके अलावा जैसे कुछ अगर किसी को परेशानी हो समझने में हमारा इंटरव्यू या हमारी बातें, जो भी योजनाओं के बारे में समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आपका विभाग का कोई कार्यालय होगा, उसका कमरा नंबर आप बता दीजिए, विकास भवन में कहाँ पर है, तो वो आकर के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको बता दीजिए। हमारा जो दिव्यांगजन विभाग है अंबेडकर नगर का, वो जनपद के विकास भवन में अवस्थित है। यहाँ पर कमरा नंबर 56 में आकर कोई भी दिव्यांग भाई बहन अपना सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं और हम लोग बहुत सहायता करते हैं उनके आवेदन करवाने से लेकर उनको योजनाओं का लाभ दिलवाने तक। हम किसी भी योजना के बारे में या किसी विभाग के बारे में जब कुछ इंटरव्यू करते हैं, लगभग हम भी सोचते हैं कि कम से कम हम अपने माध्यम से 10 लोगों को जरूर इस विभाग की योजनाओं से जोड़ूंगा, तो ये आज मेरा एक फिर से मैं आपसे बोलूंगा कि इस योजना में कम 10 लोगों को लाभ मैं अपने माध्यम से दिलवाऊंगा, वो भी जेन्युइन। तो आप लोग बस अगर कुछ जानकारी आपको मुझसे भी एकत्रित करनी हो तो इस पे हमारे सोशल मीडिया से भी आप हमसे जानकारी कर सकते हैं, बाकी आप जब हमारा रेडियो सुनते हैं तो उसमें हमारा नंबर आपको दिया जाता है, उस पे आप कॉल करके जान सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।